जी नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत, सबको राधे राधे। आज हम कक्षा 10 विविध प्रश्न माला छठी प्रश्नावली त्रिकोणमितीय अनुपात इसमें प्रश्न नंबर 13 विविध प्रश्न माला का 13वां प्रश्न है, कोट थीटा बराबर 1/√3 सिद्ध करो 1 cos²θ / 2 sin²θ / 3/5। इसको हमारे को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, LHS लिख। LHS बराबर हमारे को यहाँ पर थीटा का मान दिया हुआ नहीं है, तो सबसे पहले हमारे को थीटा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले थीटा के लिए LHS लेना है। अब LHS में देखो आपके अभी यहाँ पर कोट थीटा बराबर 1/√3 आ रहा है, तो यहाँ कोट है। इसके पहले मैंने एक सवाल बताया था, उसमें भी आपको ये जानकारी दी कि अगर इधर कोट है तो इसमें भी अपने को इधर की तरफ कोट के अंदर इसका मान देखना है। जो भी 6 मान जैसे साइन कोस टेन कोट से कोसे, जो भी मान इधर की तरफ आता है उसका थीटा हमको उसी के अंदर देखना है। अब यहाँ कोट है तो इसको कोट में देखना है, कोट थीटा बराबर। तो आपको सबसे पहले कोट थीटा के अंदर हमको क्या करना है, इस कोट 1/√3 किसका मान है ये हम देखेंगे। तो कोट थीटा के अंदर हम कोट वाली सारणी के अंदर हम 1/√3 कोट के अंदर हम देखेंगे, तो वहां पर कोट 60 डिग्री का मान है, यानी कोट 60 डिग्री का मान क्या है, 1/√3 है। ठीक है, तो ऐसे कोट से तो कोट कट गया, तो आपके पास में थीटा कितना गया, 60 डिग्री आ गया। तो सबसे पहले हमारे को इसमें थीटा दिया हुआ नहीं था, तो थीटा हमने ज्ञात किया। ठीक है, अपने को ध्यान यही रखना है कि अगर इधर कोट है तो हम इस कोट में देखेंगे 1/√3 है वो किसका मान। ठीक है, उसके बाद सिद्ध करना हमारे को 1 cos²θ / 2 sin²θ। तो आपके पास में थीटा का मान आ गया, तो हम क्या करेंगे, वापस जहां थीटा है उस थीटा की जगह 60 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, यहां हम क्या करेंगे, वापस LHS को हल करेंगे, और LHS को हल करने पर हमारे पास वापस क्या जाना चाहिए, 3/5 यानी RHS का मान आ जाना चाहिए। ठीक है ना, अब उसके बाद 1 की जगह तो 1 आई गया, माइनस की जगह माइनस cos²θ, तो थीटा की जगह हम क्या करेंगे, ये 60 डिग्री मान लिख देंगे। फिर उसके बाद में बटे हुए की जगह बटे हुए 2 की जगह 2 माइनस sin²θ, तो वापस sin²θ, तो थीटा की जगह हम क्या करेंगे, 60 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद वापस 1 की जगह 1 माइनस कोस 60 डिग्री का मान, अब कोस 60 का मान कितना होता है, सारणी में 1/2। दूसरी बात, यहाँ वर्ग इसलिए हम क्या करेंगे, मान के ऊपर भी वर्ग लगा देंगे, बटे हुए की जगह बटे हुए 2 की जगह 2 माइनस sin²60°, तो वापस साइन 60 का मान सारणी में √3/2 वर्ग लग रहा, तो मान के ऊपर वापस क्या करेंगे, वर्ग लगा देंगे। उसके बाद वापस 1 की जगह तो 1 आ ही रहा है, माइनस की जगह माइनस 1/2 का वर्ग करेंगे, 1/2 का वर्ग करने पर 1/4, बटे हुए की जगह बटे हुए आ गया, वापस 2 की जगह 2 माइनस की जगह माइनस √3/2 का वर्ग करेंगे, यानी √3/2 को वापस √3/2 से, तो यहाँ कितना जाएगा, 3/4। अब बटे हुए में है, बीच में प्लस या माइनस आ जाता है तो हमारे को लघुत्तम लेके हल करना है। 1 और 4 का लघुत्तम कितना हो गया, 4, 1 का भाग 4 में दिया 4, 4 को 1 से गुणा किया, 4 × 1 = 4, माइनस की जगह माइनस, 4 का भाग 4 में दिया 1, 1 को वापस 1 से गुणा किया 1। इसी तरह से बटे हुए में 1 और 4 का लघुत्तम 4, 1 का भाग 4 में दिया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, माइनस की जगह माइनस, 4 का भाग 4 में दिया 1, 1 को 3 से गुणा किया 3, 4 में से 1 गया 3 बटे हुए 4, 8 में से 3 गया 5 बटे हुए 4 की जगह 4। ठीक है, अब इसका भाग इसमें दे रहा है तो नीचे वाली संख्या को क्या करेंगे, गुणा में बदलेंगे तो उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो इसको उल्टा करेंगे अपन, तो ऊपर वाली संख्या 3/4 तो ऐसे कैसे, नीचे वाली क्या हो गई, ऊपर नीचे, 4/5। अगर ये कटती है तो फिर काटना है, कट गई, तो कटने के बाद अब क्या बची, 3/5, ये 3/5, ये क्या हो गया इसका RHS बराबर। और हमको RHS में भी क्या लाना था, 3/5 भी लाना था।
ठीक है। तो इस तरह से हमको सबसे पहले कोट थीटा कोट दिया हुआ था, लेकिन उसमें थीटा का मान नहीं दिया था, तो पहले अपने को क्या करना, थीटा याद करना। थीटा याद करने के बाद में हम क्या करेंगे, एलएचएस को हल किया, एलएचएस को हल करके हमने क्या किया, आरएचएस को प्राप्त किया। अब ऐसे हमको क्या करना है, विविध प्रश्न माला में प्रश्न नंबर पांचवा है, पांचवा प्रश्न दे रखा थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो 1 cos 2θ साइन 2θ बटे में का मान अपने को ज्ञात करना। ठीक है, प्रश्न नंबर पांचवा विविध में थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री, तो जहां थीटा उसकी जगह हमको क्या करना, 45 करना। ठीक है, 1 cos 2θ बटे हुए साइन 2θ का मान हमको ज्ञात करना। ठीक है, HW की कॉपी में इसको हल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।